This is how the hotel looks from outside. Yeah, Bibi Ka Maqbara. So, upar se shayad do ladies suicide kar chuke. Hey guys, welcome back to another vlog. And today I'm going to Aurangabad for an industrial visit. अभी time हो रहा है 5:30 AM और 7 बजे की train है. So I will see you guys in the next shot. अरे ये मेरे फ्रेंड्स विवेक
And Ashwin, I will laugh. So, सब लोग रेडी है अभी सिर्फ हम लोग रेडी हुए हैं बाकी सर ने तो हम लोग को बोल दिया था जल्दी रेडी होने को और सर खुद अभी तक नहीं आए वैसे बाकी तो गर्ल्स हैं बॉयज हमें जल्दी होते हैं कोई ना हम लोग सब जल्दी रेडी हो जाते और पूरे सब लोग रेडी हो गए सब रेडी है अपने हमस और वेट कर रहे सब लोग रेडी होके आएंगे और अभी हम लोग जाएंगे बीबी का मकबरा देखने जो ही थोड़े ही दूर है 11 किलोमीटर शायद 11 की 10 का पता नहीं ये होटल बिट्स लग्जरी बिजनेस होटल अच्छा व्यू है आपको पूरा ब्लॉग दिखाता हूँ एंड तक बने रहना ठीक है आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट शॉट दिस इज हाउ द होटल लुक्स फ्रॉम आउटसाइड ब्रिलियंट होटल चलो अंदर दिखता हूँ दिखाता हूँ आपको कैसा है ये मेन एंट्री लाउंज एरिया फाइव फ्लोर्स का बिल्डिंग है पूरा कॉफी शॉप एकदम बढ़िया कॉफी शॉप One hour later. इसे कहते हैं बीबी का मकबरा यह औरंगजेब के पत्नी लेकिन बेटे ने बना है माँ के हाथ में यह औरंगजेब के लड़के ने बना है उसके माँ के हाथ में माँ का नाम रबिया दुरानी बेटे का नाम अजम शाह औरंगजेब का बेटा ये ताज की कॉपी है ताज बड़ा ये छोटा ताज षटकोने में ये चौकोने में ताज की कॉपी है ताज बड़ा ये छोटा ताज षटकोने में चौकने में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन से साइड से देखो सेफ देखेगा ताज की जो ऊंचाई है 210 फीट यहाँ का हाइट 135 फीट इसलिए से साउथ का मिनी ताज कहते हैं यह जो बिल्डिंग है 1661 में बनी 1:37 लेटर और शारी शारी क्या करते चार में कुछ दम नहीं है ताज तो देखा या नहीं देखा लेकिन बीबी का मकबरा भी कुछ कम नहीं सो हम लोग आ गए हैं बीबी का मकबरा में और हमारे मेरे पीछे देख सकते हैं आप ये है बीबी का मकबरा चलो आपको अंदर जाके दिखाता हूँ पूरा But that sunset though. बोला जा रहा है कि ये जो मेरे पीछे ये है टावर इसके ऊपर से शायद दो लेडीज सुसाइड कर चुके तो इसलिए ये अभी लॉक्ड है आप देख सकते हो पीछे लॉक्ड है डोर नहीं तो अच्छा व्यू आता था ऊपर से बाकी
ये देखो, और ये मेरे पीछे, मैं बोलता हूँ पक्का एक बार लाइफ में ये प्लेस विजिट करो, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। यहाँ के जो स्कल्पचर्स है ये पूरे मिट्टी के, ये एक्चुअली मिट्टी नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राई, मस्टर्ड और भी जो भी सीड्स है उसका मिक्सचर करके बनाया गया। मेंटेन कर सकते इसको, ये अंदर का व्यू है। अभी हम लोग जा रहे हैं पंचाकी देखने, बीबी का मकबरा देख के हो गए, सो वी आर गोइंग टू सी, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट शॉट। ओवन बोले तो हवा और पन बोले तो पानी से चलने वाला चक्की बनेगा। पंचक्की 1744 में तैयार होगी, 1744 में। बाबा पेड़ के नीचे बैठ के पानी के लिए प्रयत्न करें। ये जो पानी आता है 6 किलोमीटर दूरी से। दीदी का मकबरा देखे आपके जाने नीचे जो पहाड़ है जटवाड़ा बन, उसी पहाड़ के नीचे से नहर बनाते लगे, वो नहर से होते हुए यहाँ तक पानी आ रहा है जिसमें चक्की चलता है। पहले घू अगर ऐसे पीसी जाता था ना, 2 किलो का आटा कोई पीसता नहीं था। ये बाबा ने एक पंखा बनाया, पंखे पे पानी गिरता है, पंखा घूमता है, वो घूमने से ऊपर चक्की चली जाए जिसपे रोज का 160 किलो आटा पीसी जाता है और सभी धर्म के लोगों को खाना खिलाया जाता है। ऐसे 52 दरवाजे औरंगाबाद शहर में, ये किला के टुकड़े आपके रहते हैं। ये गेट का नाम है महमूद दरवाजा। ये जो टैंक है 12 फीट गहरा नीचे, इसी के लास्ट कोने में 80 फीट गहरा है। ये जो बारिश के दिनों में पानी ओवर फ्लो होता है, ये चाली दिख रहा है ना आपको, चाली से ओवर फ्लो होने के बाद कम नदी में पानी जाता है। पर पानी रहने से नीचे पूरा ठंडा रहेगा इसके। यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को खाना खिलाया जाता है। 120 फीट लंबा हॉल चूना और मिट्टी का बनाया गया है। ये जितना भी जो सामने देख रहे हैं आप बने वाला, ये पहले धर्मशाला था, ये अब इसको ऑफिस बना दिए, वो बोर्ड ऑफिस बोलते हैं ना, ये महाराष्ट्र का हेड ऑफिस है सब में बड़ा। इसको उर्दू में मुसाफिर खाना भी बोला जाता है। जो सामान है पंचक्के वाले बाबा का है, 330 साल पुराना है। दोनों मामा भाइयों ने भारत से 3 बार हज यात्रा पैदल करी, ये उनका सामान है यूज करे। सामने माला देखे आपको, जप माला है, 1000 दानों की माला है, वो जपने के लिए थी। ये जो बाबा के साथ लोग रहते थे राउंड बना के बैठते थे पहले, जब ये माला जपते हुए चलते थे, वो तीर है धनुष की, देखिए सामने रखी हुई है, धनुष भी रखे हुआ है। नीचे पानी का मटका है, मतलब सब लोग एक मटके में पानी पिया करते थे। नीचे खाने के बर्तन रखे हुए है। ये जो पेटी में कपड़े मक्का मदीना से लाए हुए, गिलाफ खाना काबा है। ये पेटी में उनके पहनने के कपड़े है, गोदड़ी है, पेटा है, दस्ते है, चीनी मिट्टी के बर्तन रखे हुए सामने। ये चक्की चल रहा है, कोई कारण मोटर पे नहीं है, 250 साल पुराने है। पानी से चलने वाला चक्की बनाई है, अपना बोट भी दिखे वैसा। अभी ये पत्थर को उठाए हुआ है ना, नीचे गैप दिख रहा है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आटा पीस सकता है। बने पत्थर अभी धसे ना बोल के इसको उठा देवा, मतलब ये भी नहीं दिख रहा है। The
tree behind me is 600 years old. विश्वास नहीं होता है ना पर है 600 years old. So that's it for the video. I hope you like this video. If you did, make sure give it a thumbs up and subscribe if you haven't yet. And I will see you guys tomorrow with day 2 of the industrial visit. Till then, take care. Peace.